माय यूट्यूब चैनल इट्स मी तहमिया। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आज जो मेरा व्लॉग है वो मेरे कॉलेज में एक कॉन्सर्ट है, मैं वहाँ जा रही हूँ। मैं वहाँ जाके आपसे मिलती हूँ, मैं वहाँ पे आपको सारा दिखाती हूँ। हो सकता है अगर हो सके मेरे से तो मैं वहाँ पर आप लोगों को अपना कॉलेज दिखा दूँगी थोड़ा सा, और कॉन्सर्ट इंजॉय करवाऊँगी। तो बस अभी मैंने रेडी होना है, मैं निकलने लगी हूँ, तो बस मैं वहाँ जाके आप लोग से मिलती हूँ। तो मेरे साथ साथ रहिएगा। सो गाइस, मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ। अब मैं अपनी फ्रेंड्स का वेट कर रही हूँ, जैसे ही आएंगी तो भी हम लोग निकलेंगे, मतलब ग्राउंड की तरफ। वहाँ पे सारा उन्होंने कर दी हुई है, सेटिंग्स वगैरह हो रही है, अरेंजमेंट्स वगैरह हो रही है। अभी हम टीचर से मिलेंगे और सारे उनका वेट करेंगे। तो फिर अच्छा, तो ये लड़की आ गई। इस लड़की ने इतना वेट कराया ना मुझे, और हमें साथ आते साथ मुझसे पढ़ते थे इसने। टीचर ने हमें बुला लिया था। अच्छा, मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए, आ गया मैं यहाँ पे। नाश्ता नहीं किया हुआ था, हम लोग कुछ स्नैक्स वगैरह लिए हैं। और अब मैं आप लोगों को, जिसका आप लोग का इंतजार था, अलिशबा आइए, बदतमीज अब हाजिर हुई है। आइए मेरे सामने करिए अलिशबा। हाय, क्या हुआ? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। क्या हुआ? कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? प्यारी आ रही हूँ? अगर मैं प्यारी ना ना आ रही तो आप लोगों ने मुझे प्यार की नज़र से देखना, ताकि मैं आप लोगों को प्यारी करूँ। चल निकल निकल निकल, लानते भेजनी है लोगों ने नीचे। अच्छा चलो, अब हम लोग निकलते हैं। और यहाँ पे लड़की बेचारी शूट कर रही है। ये वैसे बहुत होता है, दोस्त से कहती हूँ मेरी तस्वीरें खेल दो, मेरी तस्वीर कहती हूँ अच्छा ये माँ हमने देख लिया तो मैं क्या करूँगी। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। ओके यार चलो, आयशा निकले यार, जगह नहीं मिल रही, गजब इज्जती है। अच्छा हम लोग ना यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह बना रहे थे, और उस अगले बंदे ने एक पूरा गाना गा के खत्म भी कर दिया। यार ये क्या किया, 5 मिनट बड़ा वेट भी नहीं कर सका भागो। साथ तशरीफ फरमा है सर हफीज ताहिर। हफीज ताहिर एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर, राइटर और शायर हैं। आपके लिखे गीत मुल्क के माया नाज गुलूकारों ने गाए। हमारे बचपन का ड्रामा था एक एनक वाला जिन, आई बिलीव टीचर्स को याद होगा, ये उसके प्रोड्यूसर हैं। सो प्लीज अपनी भरपूर तालियों में सर हफीज ताहिर का शुक्रिया। इनके साथ तशरीफ फरमा है हमारे जो सिंगर्स हैं दोनों। पहले अगर मैं अमार बेग का जिक्र कर दूं, क्योंकि अमार बेग पहले आ गए थे, मौसीकी की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम, अपने अब्बा जान से विरसे में मिली खूबसूरत आवाज़, अमेरिका से मौसीकी की तालीम हासिल करके आए हैं, और अब यहाँ बहुत सारे गानों का रीमिक्स कर रहे हैं और अपना एक अलग मकाम बनाया है। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू अमार कि आप यहाँ आए हमारे स्टूडेंट्स को इनकरेज करने के लिए। इनके साथ जो तशरीफ फरमा है, अगर उनके लिए मैं ये कहूँ कि ही इज़ माई चाइल्डहुड क्रश, तो वो सच होगा। मेरा ख्याल है कि मॉडर्न तर्ज की जो मौसीकी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में आई थी, वो वारिस बेग की वजह से ही आई थी। जब हम लोग कॉलेज स्टूडेंट्स थे तो इनके ही गानों को हम इसी तरह स्टेज पर परफॉर्म किया करते थे, और मेरा नहीं ख्याल कि वो गाने अभी भी हम भूल पाए हैं। वो गाने अभी भी उसी तरह तरोताज़ा हैं जैसे ये आज से इतने साल पहले, ऑलमोस्ट कोई 20 साल पहले जितने यंग थे, वारिस बेग इज स्टिल एज यंग एज ही वॉज। आ
आपको कैसा लगा मार? मुजाहिद साहब बैठे हैं, हम आपके जो यहाँ पे टीचर हैं उनको उनके लिए बहुत सी तालियां प्लीज, जिन्होंने आपको जिन्होंने पूरे स्कूल को सुरीला बनाया, इतना सुरीला स्कूल आज तक नहीं देखा, इतने सुर में आप गा। जीएम साहब बैठे हैं, जितने मेरे दोस्त सामने बैठे हैं उनको मेरा सलाम। मैं सिर्फ आज आपको सलाम कर रहे हैं, उसको इसको दिखाने हैं आपको हम आपको, मेरे मैंने आज कुछ नहीं करना। ये मेरा गाना लोगों को पसंद है, आपको सुनाता हूँ। मैं चाहूंगा अमार मेरे साथ गाए, इसके लिए इसको कहीं मेरे साथ गाए। उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। मैं चाहूंगा आगे हमारे आगे रात को देखा ख्वाब जो मैंने सोते में, रात को देखा ख्वाब जो मैंने सोते कुछ नए नए गा सकता हूँ, आप लोगों को कुछ डेडिकेट कर सकता हूँ। जरा
सजा तू, जरा सपना ले बना। तो गाइस मैं घर आ गई थी और मैं उसे आगे नहीं दिखा सकती थी क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड इकट्ठा हो गया था, मैं फ़ोन नहीं निकाल सकती थी। तो बस मैं अपनी यहाँ पे वीडियो ख़त्म कर रही हूँ, और अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।